नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी एवरग्रीन के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे 1982 में रिलीज हुई फिल्म नदिया के पार की। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गोविंद मुनिश द्वारा निर्देशित यह एक भारतीय ड्रामा फिल्म है। यह केशव प्रसाद मिश्रा के हिंदी उपन्यास कोहबर की शर्त पर आधारित फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा रिलीज हुई यह फिल्म 1982 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में सचिन पिलगांवकर, साधना सिंह, मिताली और इंद्र ठाकुर जैसे कलाकार नजर आए थे। नदिया के पार फिल्म उत्तर भारत में बसे दो गांवों की कहानी है, क्योंकि इस फिल्म को एकदम जीवंत भाव देने के लिए वैसे ही एक आदर्श लोकेशन में शूटिंग करने की आवश्यकता थी। तो अब ऐसे में उत्तर प्रदेश से बढ़िया लोकेशन और क्या हो सकती थी, इसलिए फिल्म को शूटिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हिस्से को चुना गया था। नदिया के पार फिल्म की 90% शूटिंग जौनपुर के किराकत तहसील के विजयपुर और राजेपुर नामक गांव में हुई थी। ये दोनों गांव सई नदी और गोमती नदी के किनारों पर बसे हैं। फिल्म में जिस नदी की बात की जाती है वह यही दो नदियाँ हैं। इसी स्थान पर सई नदी और गोमती नदी आपस में मिल जाती हैं। किराकत नामक गांव, यानी जहां नदिया के पार फिल्म की शूटिंग हुई थी, वहां के स्थानीय निवासी बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग लगभग 1.5-2 महीने तक चली थी। फिल्म की पूरी टीम उस गांव में ही लगभग 1.5-2 महीने तक रहे। फिल्म की पूरी टीम का गांव के लोगों के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया था। गाँव के स्थानीय निवासी बताते हैं कि राजश्री प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद बरजातिया ने गांव के लोगों को उस दौर में फिल्म की शूटिंग करने के लिए 8 लाख रुपए भी देने की पेशकश की थी, मगर फिल्म के यूनिट मैनेजर राम जनक सिंह उसी गांव के निवासी थे। उन्हें अपनी ही फिल्म कंपनी के मालिक से अपने ही गांव में शूटिंग करने के लिए पैसे लेने का दिल नहीं था, इसलिए उन्होंने फिल्म बनाने के लिए उनके गांव की लोकेशन का इस्तेमाल करने के लिए एक भी रुपया नहीं लिया था। गांव वाले कहते हैं कि फिल्म की पूरी शूटिंग के दौरान वहां पर हमेशा पुलिस तैनात रहती थी, क्योंकि कभी कभी शूटिंग देखने आई भीड़ बेकाबू हो जाती थी और उन्हें कंट्रोल करने का काम केवल पुलिस ही कर सकती थी। फिल्म के होली वाले गीत जोगी जी धीरे धीरे के लिए कई बोरियां भर भर के रंग और गुलाल मंगाए गए थे, और गाने में दिख रहे ज्यादातर लोग वहीं के ग्रामीण ही थे। ऐसा कहा जाता है कि जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई थी और फिल्म की टीम गांव छोड़कर जा रही थी, तो जाते हुए पूरे गांव के लोग ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी फिल्म की टीम के लोग गांव के लोग से बिछड़ने के दुख में फूट फूट कर रोए। नदिया के पार फिल्म को बने आज लगभग 40 साल होने को है, मगर यह फिल्म आज भी चाहे जितनी बार देखी जाए दिल नहीं भरता। दरअसल फिल्म देखने पर ऐसा लगता ही नहीं कि कोई शूटिंग चल रही है और कोई एक्टिंग कर रहा है। ऐसा लगता है मानो गांव के लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं और बस किसी ने बिना बताए उनकी जिंदगी को कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया है। यूपी के छोटे से शहर जौनपुर में गढ़ी गई इस फिल्म की कहानी तो काफी सिंपल थी, लेकिन इस फिल्म ने सबके दिलों में जगह बना ली। गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित ये मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। कहानी तो दर्शकों को पसंद आई ही थी, साथ ही गाने भी जबरदस्त हिट हुए थे। गानों के साथ चंदन और गुंजा की प्रेम कहानी भी हिट हो गई और सचिन पिलगांवकर, साधना सिंह रातों रात स्टार बन गए। फिल्म की कहानी लोगों को इतना पसंद आई कि इसी अंदाज में एक और फिल्म बनाई गई, जिसका नाम है हम आपके हैं कौन, जो नदिया के पार की रिलीज के करीबन 12 साल बाद सिनेमा घरों में दिखाई गई, जिसका बिहाइंड स्टोरी मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बाकी और इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए।